चल गया। अच्छा दो तीन कंफ्यूज है इस चीज में कि क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे जो उन्होंने एक्स 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 लिखा हुआ है और उसके अलावा फिर उन्होंने आगे लिखा हुआ है नो, ठीक है, 0 0, इसका क्या मतलब है? 0 का मतलब यह होता है कि 100% कोई एविडेंस नहीं है वहां पर ट्यूमर का, और एक्स का क्या मतलब है कि असेस नहीं किया जा सकता, इवेल्युएट नहीं किया जा सकता, वहां पर नजर नहीं आ रहा या पैल्पेट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ पेशेंट हमारे पास आया और उसका कोई उसका कोई जो है वो रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है या क्या है, मैंने उसको पैल्पेट करके देख लिया है तो उसका कोई इनलार्ज नहीं है, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वहां पे लिम्फ नोड ही नहीं, इनलार्ज नहीं है, ठीक है, तो मैं उसको क्या कैटेगराइज करूंगी, 0, और अगर इनलार्ज है तो उससे करूंगी 1। वैसे एक्स की कैटेगरी जो है वो इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखी है इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ये सिर्फ तब होती है जब हम कंफर्म नहीं कर सकते, जब हम उससे असेस नहीं कर सकते, हम कंफर्म आंसर नहीं कर सकते येस और नो। और ये कुछ कंडीशंस में होता भी है जब पेशेंट जो है ओबीस हो, मसल इन्वॉल्वमेंट हो नीचे, या कोई और अंडरलाइंग स्वेलिंग या पैथोलॉजी हो जो मिसमैच कर रही हो, तो इस सिचुएशंस में आ जाता है, ठीक है। इसकी कोई वैसे इतनी अच्छी इम्पोर्टेंस नहीं होती टीएमएन स्टेजिंग के अंदर, ठीक है। आप बाकी सारी क्लासिफिकेशंस में देखोगे बहुत कम आपको ये एक्स एक्स वैल्यूज मिलेंगी, ज्यादातर स्टार्ट होती हैं 0 से या IS से, ठीक हो गया। अच्छा हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि हमने इसकी कर ली स्टेजिंग किस तरह से करनी, अब हमारे पास थी ट्रीटमेंट हमने किस तरह से करनी है। सोचिए मुझे कि इसकी ट्रीटमेंट अब आप किस तरह से कर सकते हैं, इसकी सर अल्सरेश के साथ उसकी जो है वो कार्सिनोमा भी हो रहा है, मेटास्टेसिस भी हो रही है, क्या कर सकते हैं? वेरी गुड शाबाश, सर्जरी पढ़ रहे हैं तो सर्जरी में सर्जिकल एक्सी और कर सकते हैं, आपके हाथ में औजार आ गए हैं तो अब मर्जी हो जाए उसे कूट फेंकना है, और भी कुछ कर सकते हैं उसके साथ, बेचारे के साथ या बेचारी के साथ, हाँ रेडिएशंस भी यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं नॉन सर्जिकल में जाऊं तो उसमें रेडियोथेरापी कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये तो हमारे पास दो चीजें हो गई। अब सर्जरी आप किस तरह से करोगे, या तो सर्जिकल एक्सियन कर दोगे, ठीक है, ताकि पूरा का पूरा जो ट्यूमर है वो रिमूव हो जाए, और उसके साथ जो है आपने उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भी भेजना होता है जो आपने एक्साइज किया होता है, ठीक है। अच्छा अगर जो है स्वेलिंग या जो अल्सरेशन है, जो कार्सिनोमा है, वो ज्यादा बड़ा है और वो स्प्रेड हुआ है, जैसे हमने पीछे पढ़ा डी स्ट्रक्चर्स पे, तो क्या करोगे? ऊपर ऊपर से उसकी स्वेलिंग उतार दोगे, नीचे से कोई एक आधा सेल वगैरह रह गया या कुछ हो गया तो वो तो फिर से ग्रो कर जाएगा, स्लो ग्रोइंग है ना। हाँ रेडिएशन तो करोगे लेकिन उसको साथ एक्साइज कर दोगे, उस वो कर सकते हैं उसको कंप्लीटली रिमूव करने के लिए सेलुलर लेवल के ऊपर हम क्या करते हैं, एक सर्जरी है यहाँ पे लिखी हुई मोह सर्जरी, ये कर सकते हैं। अब इस सर्जरी में बेसिकली क्या होता है कि हम जो एक्साइज कर रहे होते हैं, पहले तो हम एक अप्रोप्रिएट जहां जितना हमने करना होता है वो एक्साइज करते हैं, उस एक्साइज करने के बाद जो नीचे वाली फ्रेश स्किन है उसको देखते हैं, उसको देखते हैं अंडर स्लाइड हमने बना के रखी होती है, उसके उस स्लाइड के अंदर आयोस्टेट और साथ में इओसिन और हीमोटॉक्सिलिन के साथ स्टेन करके माइक्रोस्कोप में उसको देखते हैं, और उसको देख के हम वहां पे माइक्रोस्कोप में क्या देख सकते हैं, कैंसर सेल्स देख सकते हैं। अगर हमें उस जो है वो एरिया में या उसके अंदर
अगर अभी भी हमें कुछ कैंसर सेल्स मिलते हैं तो हम फिर एक्सपेक्टेडली थोड़ा सा और उसके वहां से स्किन पील ऑफ करते हैं या रिमूव करते हैं, जब तक के हमें 100% क्लियर फ्रेश स्किन विदाउट कार्सिनोमा विदाउट दी कैंसर सेल्स मिल नहीं जाती। ठीक हो गया, इससे क्या होता है कि क्लियर फ्री मार्जिन हो जाती हैं स्किन की, कैंसर सेल्स उसमें से निकल जाते हैं और रीअकरेंस के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन इसका और कोई नुकसान भी आपके माइंड में आता है? काटते जाओगे काटते जाओगे काटते जाओगे, ऊपर से स्किन कटती जाएगी, वापस स्किन कैसे लेकर आओगे अगर वहां पे इतना बड़ा सा सुराख, इतना बड़ा सा होल बन गया तो? बताएं शाबाश। फिर क्या करते हैं, ग्राफ फ्लैप ढूंढते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका गुड पॉइंट, ये मैं ड्रॉबैक भी आपको बता रही हूँ, लेकिन इसका गुड पॉइंट ये है कि इससे रीअकरेंस के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसका एक और बैड पॉइंट है कि अगर ये देखो लिखा भी हुआ है, दिस इज ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू व्हेन मैनेजिंग द ट्यूमर्स ऑफ आईलिड, नोज और चीक। लेकिन इसका मेजर ड्रॉबैक ये है कि इस प्रोसीजर के लिए आपको टाइम ज्यादा देना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, प्रोसीडिंग लंबी है, और उसके अलावा जो स्लाइड्स हैं वो साथ साथ रेडी करनी पड़ती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये इसने लिखा हुआ है आईलिड, नोज और चीक के ट्यूमर्स को मैनेज करने के लिए ये प्रोसीजर पर्टिकुलर वैल्यू का है, इसका मुझे कोई आंसर बताए। अगर नोज और इसके ऊपर, इन सब जगहों के ऊपर रीअकरेंस के चांसेस ज्यादा हो, उसकी वजह से स्टैटिकली इम्प्रूवमेंट नहीं आती, फिर उसके अलावा शेप खराब हो जाती है, फेस खराब हो है, बुरा लगता है, ठीक है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ऐसे ही है। और फिर वहां पे अगर कोई हम और फ्लैप लगाएं, कोई ग्राफ लगाएं और बार बार सर्जरी करते जाएं, तब भी मसले होते हैं, ठीक है ना। और वहां पे क्या होता है, बोन इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा होती है, चीक के ऊपर जो है वो कौन सी बोन आएगी, नोज के ऊपर कौन सी बोन आएगी, और आईलिड की अगर हम बात करें तो आईलिड के साथ क्या हो सकता है, कौन सी चीज खराब हो सकती है हमेशा के लिए और उसकी वजह से जिंदगी खराब हो जाएगी, बताएं। आई साइड भी इन्वॉल्व हो सकती है, राइट, अगर ये ट्यूमर जो है वो आगे डीप स्ट्रक्चर्स को रेग्रेस कर जाए तो। ठीक है जी, चलें जी, ठीक है। सिर्फ इतनी आपने टेक्निक याद रखनी थी, इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, किस तरह से उसको देखते हैं, बेनिफिट इसका क्या है और इसका ड्रॉबैक क्या है, और ये किस किस सर्जरीज के अंदर जो है वो यूजफुल है, वैल्यूएबल है, ठीक है। ये हमने बात ऑलरेडी करी है, क्रस और मेटास्टेसिस के चांसेस इसमें कम होते हैं। फिर उसके बाद एक और बात हमने की थी कि जो नॉन सर्जिकल है उसमें हम ये रेडियोथेरापी कर सकते हैं, क्योंकि जो बेजल सेल कार्सिनोमा है वो एक्सट्रीमली रेडियो सेंसिटिव है, 90% जो है क्योर रेट है रेडियोथेरेपी का। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट को मल्टीपल विजिट्स करने पड़ते हैं, आना पड़ता है। लेकिन एक और बात के अगर जो कार्सिनोमा है, जो लियन है, वो आई के पास है या किसी अंडरलाइंग कार्टिलेज के पास है, तो फिर उसको रेडियोथेरेपी नहीं करा सकते, क्योंकि रेडियोथेरेपी कराने से क्या हो सकता है, रेडिएशंस क्या कर सकती है, या अब आप मुझे बताएंगे कि रेडिएशंस कार्टिलेज को क्या करेंगी और रेडिएशंस आई को क्या करेंगी। फिर इस सूरत में हमने क्या करना होता है, अगर तो वो सिर्फ सुपरफिशियल है तो हमने जैसे पहले पढ़ा उसको 5-फ्लोरोयूरेसिल दे देंगे, और अगर डीप है तो फिर उसकी सर्जरी ही हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास अब नेक्स्ट है जी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, हमारा दूसरा बहुत बड़ा दुश्मन, और यहाँ स्किन लियंस का जो आपकी क्वेश्चन एग्जामिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड बेजल सेल कार्सिनोमा, और 4 times लेस कॉमन भी है देन दी सेल कार्सिनोमा। यानी आप ये समझ लें कि बेजल सेल कार्सिनोमा का छोटा भाई है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, नाम इसका बड़ा है लेकिन है ये छोटा,
ठीक है, अब ये कौन सी जो है वो एपिडर्मिस की लेयर से जनरेट करता है, राइज करता है या इन्वॉल्व करता है? तो ये स्ट्रेटम जर्मिनेटम को इन्वॉल्व करता है, वहां से ये राइज करता है, ठीक हो गया। और क्या करता है? एक्सप्रेसेस साइटोकेरोटिनिन्स 1 एंड 10। ठीक है, उनकी इन्वॉल्वमेंट से क्या होता है, ये कार्सिनोमा स्प्रेड करता है और सारी सरफेसेस ऑफ बॉडी जहां जहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी वहां वहां पे ये स्प्रेड करेगा। ठीक है, अच्छा कल हम लोगों ने जो है लेयर्स पढ़ी थी, याद आ रही है किसी को? लेयर्स अगर भूल गई है तो कर लें फिर से। एक बच्चे का यहाँ पे सैड सैड फेस आया हुआ था, वो क्यों आया हुआ था भाई बताएं मुझे। सर्जिकल एनाटॉमी, सर्जिकल एनाटॉमी क्या चाहते हो? अगर आप ये चाहते हो कि मैं सर्जिकल एनाटॉमी आज रात को करा दूं 8 से 10 बजे तक, तो फिर तुम लोगों ने तूफान उठा देना सर पे। आज 3 घंटे का लेक्चर हो गया, हम फ्रस्ट्रेट हो गए। मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि आज रात 8 से 10 बजे तक सर्जिकल एनाटॉमी खत्म करवा के तुम लोगों का सेशन वाइंड अप कर दूं, लेकिन ये जान छुड़ाने वाली बात होगी। जैसे आप लोग कहोगे मुझे कोई इशू नहीं है, इसको हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर मगरिब की नमाज का टाइम हो जाना है, इसीलिए मैं इसे इग्नोर कर रही थी। ठीक है, परेशान नहीं होना, हम इसे ग्रुप में बाद में डिस्कस कर लेंगे। जैसे आप लोग कहते हो, मैंने आज तक आप लोगों की सारी बातें मानी है, आगे भी मानूंगी, परेशान नहीं होना। जैसे आप लोग कहेंगे, कल छुट्टी देनी है आपको, कल मुझे जरूरी काम है। ठीक है, ऑलरेडी हमारे प्लान में आज भी छुट्टी थी, कल भी छुट्टी थी, तो लेकिन यह है कि कल तो नहीं ले सकती, अगर आज आप डिले करोगे तो फिर परसों, लेकिन ये बातें हम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, ज्यादा सही है। ठीक है, अच्छा जो बच्चों को नहीं आ रही थी, ये देखो ये हमारे पास 5 लेयर्स हैं एपिडर्मिस की। ठीक है, इसमें जर्मिनेटम लेयर नहीं है, लेकिन आपको पता है जर्मिनेटम लेयर कौन सी लेयर होती है और कौन सी लेयर इन्वॉल्व करती है? म्यूकस मेम्ब्रेन कौन सी लेयर में होता है? म्यूकोजल सरफेस कौन सी लेयर में होती है? शाबाश, यहाँ पर लिखी भी हुई है, ये देखो आप सही कह रहे थे। एक बच्ची ने मुझे यहाँ पर लिखा हुआ था, मुझे याद आ रहा है शायद मैसेज के, स्ट्रेटम बेसिल, स्ट्रेटम बेसिल जो है वो स्ट्रेटम जर्मिनेटम की लेयर के अंदर आता है, लेकिन उसके अंदर 2 लेयर्स आती हैं, स्पाइनोजम भी आता है और बेजेल भी। अगर सिर्फ बेजेल आएगा तो फिर बेजल सेल की तरफ जाएगा, लेकिन अगर पूरी स्ट्रेटम जर्मिनेटम आ जाती है तो फिर मेरे पास कौन सा कार्सिनोमा डेवलप होता है? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा डेवलप होता है, जिसे क्यूरी थी उससे आप समझ जागी है कि स्ट्रेटम जर्मिनेटम कौन सी लेयर इन्वॉल्व करती है। बच्चे परेशान ना हो, ये सारी चीजें हम ग्रुप में डिस्कस, पूरा टाइम है अभी ग्रुप में, आज मैंने इसको खत्म करना है चैप्टर को बगैर किसी पॉज के। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से इसको सुन लें, इसके अंदर इन चीजें इंपॉर्टेंट हैं और थोड़ी सी हैं करने वाली। कहाँ पे गया है भाई? ये देखो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कि हम ये कह रहे थे कि ये कहाँ कहाँ से इन्वॉल्व होता है, कौन से करेगा, और उसके बाद ये ज्यादातर किसको इन्वॉल्व कर सकता है, बाद में ले लेना, मैं आखिर में ना आपको दे दूंगी। ठीक है, अच्छा कौन कौन सी लेयर्स, पूरा आधा घंटा हो गया और हमने अभी तक सिर्फ एक बेसल सेल कार्सिनोमा पढ़ा है। अच्छा ये कौन कौन सी लेयर को इन्वॉल्व करता है? म्यूकस मेम्ब्रेन जहां जहां पर होगी उस एरिया को इन्वॉल्व करेगा, ज्यादातर ओल्ड मेल्स को अफेक्ट करता है और इसके
अंदर जो लिप्स और टंग की लीनियंस होती हैं वो अर्ली मेटास्टाइज कर जाती हैं, अर्ली डिफरेंशिएट कर जाती हैं, यानी कि अगर लिप और टंग की लीन होगी तो वो जल्दी जो है वो किस में चेंज हो सकती है, कार्सिनोमा में, और वो कार्सिनोमा जो है वो जल्दी अपनी हाई स्टेजेस में जाएगा, प्रोग्रेस करेगा, कॉम्प्लिकेट करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं? कोई भी स्किन कार्सिनोमा, उसका सबसे इम्पोर्टेंट हीरो और विलन दोनों हमारे पास आते हैं, यूवी रेज, सन रेज डैमेज, क्रॉनिक सन डैमेज हमारे पास आएगा। फिर उसके अलावा अगर कोई प्रीवियस स्किन डिजीज है, हिस्ट्री है, आर्सेनिक एक्सपोजर है, ठीक हो गया, कोई इन्फ्लेमेशन थी, उसको क्यूटेनियस लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सर्स थे, कोई प्रीवियस एक्सरेस की हिस्ट्री थी, ये सारी चीजें कहीं सुनी सुनी सिमिलैरिटीज लग रही हैं आपको, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद कोई प्री मेलिग्नेंट कंडीशन ऑफ द डिजीज थी, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर एक इसने नई टर्म लिखी हुई है जी, मार्जोलेंस अल्सर, वो क्या होता है? किसी ने सुना हुआ मेरा ख्याल, कहता हम लोगों ने ये आई में पढ़ा हुआ था, मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, आई में पढ़ा था अल्सर, ये वाला मार्जोलेंस अल्सर क्या होता है? हाँ पढ़ा था। मरियम आप बताएं फिर क्या था ये, क्यूटेनियस मेलिग्नेंसी है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? अगर पहले कोई पेशेंट को अगर कोई इंजरी, कोई स्किन इंजरी हुई हुई है, कोई लॉन्ग स्टैंडिंग उसको स्कार है, या कोई उसको क्रोनिक वूंड है, तो वो जो है ये अराइज कर सकती है, वहां से उसे हम क्या कहते हैं, वो स्कार, वो अल्सर, वो टिश्यू से जो कार्सिनोमा अराइज करता है वो हमारे पास क्या होता है, मार्जोलियन अल्सर कहलाता है, ठीक है। और इसके अंदर ज्यादातर कॉमन साइट कौन सी है, इसने लिखी हुई है बर्न स्कार्स कॉमन साइट है इसके, उसके अलावा और भी साइट्स हो सकती हैं किसी डिजीज की वजह से, कोई स्नेक बाइट हो सकती है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर इंजरी हो सकती है, कोई बोन की डिजीज हो सकती है, ठीक है, कोई फंगल डिजीज हो सकती है, इस तरह करके, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में अल्सर का नाम आ रहा है बार बार, तो आपने बता देना है अल्सरेटिव प्रेजेंटेशन होगी, या कॉलीफ्लावर लाइक प्रेजेंटेशन होगी, लियन होगी, मार्जिन उसके वर्टेड होंगे, खराब हुए हुए होंगे, ठीक हो गया। और उसके अलावा जो उसकी बेस होगी वो इंड्यूरेटेड विद सबक्यूटेनियस मसल या बोनेज टिश्यू के साथ इन्वॉल्व हुई होगी, ठीक है। ये आपने क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस देख लेनी है इसकी, ये सारे करैक्टरिस्टिक्स। और इसके अलावा कार्सिनोमा में और क्या क्या हो सकता है, हमने अभी टीएनएम स्टेजिंग में पढ़ा है, और क्या क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, नोड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, और उसके अलावा अगर उसके साथ बोन मेटास्टाइज कर जाती है, और उसके अलावा अगर कोई और ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, उसके भी हमारे पास सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है जी। और अगर वो डीप हो जाता है, स्प्रेड ज्यादा कर जाता है, तो फिर उसके साथ जो सराउंडिंग डीप स्ट्रक्चर है वो भी इन्वॉल्व हो सकता है, सराउंडिंग एरिया भी इन्वॉल्व हो सकता है, वो भी अल्सरेटेड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और उसकी भी जो मोबिलिटी है वो लिमिटेड हो सकती है, ठीक है, समझ आ गई इसके क्लिनिकल फीचर्स भी। अच्छा, मर्जी है, ये भी अपनी मर्जी से डांस करने लग जाता है। अच्छा, ठीक हो गया। अब इसके जो प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, वो भी आपने देख लेने हैं, एमसीक्यू से में आ सकते हैं, प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर इन्विजन जो है वो डीपर लियंस है, बगैर देखे भी यार ये आप कर सकते हो, अगर आपके पास वैसे भी पेशेंट आता है वो कहता है कि हमें थोड़ा सा मसला है, आप कहोगे ठीक हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा है कहोगे टाइम ज्यादा लगेगा, और ज्यादा तो ज्यादा, डिपेंडिंग अपॉन द लियन डीपर है, नोड्यूल इन्वॉल्वमेंट है, मेटास्टाइज कर रही है या नहीं, उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। और एक और चीज, लेकिन इसके साथ जो है वो कोई और भी साथ में चीजें आ सकती है, हिस्ट्री भी आ सकती है, अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, पेशेंट को कोई साथ और बीमारी है, कोई अनकंट्रोल्ड डिजीज है, कोई और साथ जिसको मसला चल रहा है, मल्टीपल साइट्स के ऊपर है, लियन एक जगह पर नहीं है, डिफरेंट जगह पर है, तो क्या हो सकता है?
है तो भी जो है उसका प्रोग्नोस्टिक फैक्टर डिले हो सकता। रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है कि अगर पेरी न्यूरल इन्वॉल्वमेंट है तब भी जो है उसका वर्स प्रोग्नोसिस होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी और बेसल सेल कार्सिनोमा के स्प्रेड के अंदर डिफरेंस है। बेसल सेल कार्सिनोमा सिर्फ लोकल इन्वेजन से हो रहा था, ब्लड से नहीं हो रहा था। ये तीनों मोड से इन्वॉल्व होता है, ये लोकल से भी कर सकता है, लिम्फेटिक से भी कर सकता है, और अनफॉर्चुनेटली ब्लड से भी कर सकता है। इसी वजह से हमने कहा कि इसके अंदर पेरीन्यूरल इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, और अगर पेरीन्यूरल इन्वॉल्वमेंट आ जाती है तो फिर क्या होता है, प्रोग्नोसिस वर्स कर जाता है, कंडीशन वर्सन कर जाती है। और ये पेरीन्यूरल इन्वॉल्वमेंट है क्या चीज, कोई बता सकता है? अगर कोई अटेंटिव स्टूडेंट यहाँ पर बैठा हुआ है, इसके अंदर क्या ऐसा मसला हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट की प्रोग्नोसिस वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश, सिर्फ एक बच्ची मेरे साथ कर रही है, उसको सिर्फ समझ आई है, नियोप्लास्टिक इन्वेजन ऑफ दी नर्व को हम कहेंगे पेरीन्यूरल इन्वॉल्वमेंट। अगर ये इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो फिर ये इमरजेंसी है, क्या कर सकती है, ये सारे ऑर्गन्स के नर्व्स को खराब कर सकती है, न्यूरोनल इन्वॉल्वमेंट कर सकती है, और उसके बाद आपको पता है अगर एक दफा न्यूरॉन्स इन डैमेज हो गए तो फिर खला, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद पास इसके इन्वेस्टिगेशन वेज बॉप्सी ही करेंगे जिस तरह कर सकते हैं, लेक के साथ लिम्फ इन्वॉल्वमेंट भी है तो फिर हम लिम्फ नोड साइटोलॉजी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सर्जरी भी है, उसमें भी आप यही बताया सर्जरी में हम सर्जरी करेंगे साथ रेडियोथेरेपी करेंगे, इसमें भी हम सर्जिकल एक्सियन कर सकते हैं और साथ में रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी भी TNM स्टेजिंग सेम वही है जो बेसल सेल कार्सिनोमा की है, तो दोनों के लिए आपको वो याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर सेकेंडरी लीयंस की भी आपने साथ ट्रीटमेंट करनी है, वो किस तरह से करेंगे वो भी आपको बतानी चाहिए, सिर्फ उसका नहीं करके आपने छोड़ देना सर्जरी और रेडियोथेरापी, आपने बताना है कि जो उसकी सेकेंडरी लीयन है उसको लिम्फेटिक ब्लड बॉन्ड डिसऑर्डर स्प्रेड है, उसको आपने किस तरह रोकना, ये आपको बताना, ये भी आप साथ लिखना है, जो लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व थे या उसको एक्साइज करना है या उसको करना है, ठीक है, ये भी आप साथ लिखना है। और डिपेंडिंग ऑन के कितने परसेंट लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं, उनको हम पहले मेडिकली क्योर करते हैं, उससे पहले अगर कम है तो उसे हम वेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एंटीबायोटिक्स का कोर्स देके उसे रिग्रेस करवाते हैं, अगर वो रिग्रेस नहीं करते है, हार्ड हो जाते हैं, मोबाइल हो जाते हैं, तो फिर हम उनको क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और अगर वो हार्ड है और फिक्स्ड है, नीचे कोई वाइटल स्ट्रक्चर साथ पड़ा हुआ है, अगर उसे एक्सरसाइज करेंगे तो वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो फिर हम वहां पे क्या करते हैं, पैलिएटिव रेडियोथेरेपी करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये वाला कार जो है ना, ये बहुत आसान कार्सिनोमा है, ये आज मैंने आपको असाइनमेंट देनी है या आपने मुझे ग्रुप में समझाना है क्या होता है, 3 लाइनों का कार्सिनोमा, इतना तो कर ही सकते हैं मेरे लिए, क्या ख्याल है? अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट है जी बिनाइन लियंस क्या होती हैं। बिनाइन लियंस में हमारे पास बड़ी मजे मजे की हैं जी, मेलानोसाइट्स क्या आते हैं, हमने कल ग्रुप में डिस्कस किया था मेलानोसाइट्स, ये देखें ये सेल कार्सिनोमा की, वैसे तो ये छोटी छोटी स्टेजेस हैं लेकिन ये जब लार्जली रप्चर कर जाता है, फिर उसके अलावा ये उसके कुछ टेबल्स भी बने हुए हैं डिफरेंसेस के, अगर आपको क्लियर डिफरेंसेस देखने हैं तो ये आपके पास स्क्विमस सेल कार्सिनोमा, ये आपके पास बेसल सेल कार्सिनोमा है, ये आईलिड के नीचे बेसल सेल कार्सिनोमा बना हुआ है, ठीक है।
अच्छा, अब हम बात कर रहे थे मेलेनोसाइट्स की। वेरी गुड, शाबाश। मेलेनिन पिगमेंट होता है, स्किन पिगमेंटेशन सेल्स होते हैं, ठीक हो गया। और इसका एक रिश्ता भी था, एक उसके साथ, वो किसके साथ था? यूवी रेस के साथ भी था। मैंने कुछ बताया था कि यूवी के साथ एक बहुत जबरदस्त बॉन्ड है। वो क्या बॉन्ड है वो भी मुझे बताना है। अगर वहां पे मेलेनोसाइट्स के यहाँ पे हवाले से अगर कोई मसला हो जाए, कोई मिसाइल हो जाए, तो कोई गड़बड़ हो, तो वो हमारे पास आ सकती है इस डिसऑर्डर में, इस लियन में? क्या मैं उसे कह सकती हूँ बेनाइन लियन, मेलेनोसिटिक लियन्स कह सकती हूँ मैं उसको, अगर एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर जो ये मेलेनोसाइट्स हैं स्टेम सेल से, न्यूरल क्रेस्ट सेल से नॉर्मली माइग्रेट करते हैं टू द एपिडर्मिस, और फिर वहां से वो बेजल सेल में, बेजल लेयर में चले जाते हैं, मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, और फिर वो आगे जाके मेलेनोसोम्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर यहाँ पर कहीं पर भी कोई लियन, कोई खराबी आ जाए, तो वो आगे जाके क्या करते है? मेलिग्नेंसी बिनाइन या फिर जो है वो मेलिग्नेंसी कॉज करवाती है, राइट? अच्छा, तो उसके बाद हमने एक नेवियस का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। मेलेनोसिटिक नेवियस क्या होता है, कोई बता सकता है? कल मैंने आपको बताया भी था नेवियस क्या होता है। नेवियोइड शेप का होता है नेवियस, उसे हम कहते हैं नेवियस। सामने वैसे दिखाए भी हुए हैं। यस, बिल्कुल ठीक है। लियन होती है एक विजिबल लियन ऑन द स्किन, ऐसे ब्लैकिश ब्राउनिश कलर की, ठीक है, जो अक्सर बचपन से ही चलती होती है, राइट? नॉन स्पेसिफिक लियन होती है, क्रोनिक लियन ऑफ द स्किन या म्यूकोज, ऐसे इम्प्रिंटेड बनी हुई होती है बिल्कुल मोल की तरह, ठीक है जी? तो काफी हद तक समझ आ गई है, कुछ की स्मॉल होती है, कुछ की लार्ज होती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसकी टाइप्स हैं जी, तीन टाइप्स होती हैं मेलेनोसाइटिक नेविया या नेवियस की। एक हम कहते हैं जंक्शनल नेवियस, एक को हम कहते हैं कंपाउंड नेवियस, और एक को हम कहते हैं इंट्रा डर्मल नेवियस, ठीक है। जो जंक्शनल नेवियस है, ये तीन लेयर्स बनी हुई हैं स्किन की। एक हमारे पास है डर्मिस, फिर है डर्मो एपिडर्मोइडल एपिडर्मल जंक्शन, और एक हमारे पास है डर्मिस, ठीक है। अब जंक्शनल नेवियस, मेरा ख्याल कहता है मेरे सुपर हीरोज को समझ आई गई है कि जंक्शनल नेवियस क्या होगा, जो डर्मो एपिडर्मल जंक्शन के दरमियान, ये देखो उस जंक्शनल पॉइंट के ऊपर होगा, वो हमारे पास क्या होगा, जंक्शनल नेवियस, ठीक है। और ये जो है थोड़ा सा उससे अगर नीचे जंक्शनल से, तो ये हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड नेवियस। और अगर वो डर्मिस के लेवल के ऊपर आ जाता है, तो दैट विल बी नोन एज इंट्रा डर्मल नेवियस। किसी को नहीं समझ आई तो वो और ध्यान से देख ले। ये देखो, ये हमारे पास है जंक्शनल, ठीक है, ये हमारे पास है कंपाउंड नेवियस, और ये हमारे पास है इंट्रा डर्मल नेवियस। अब क्लियर है? अब सही नजर आ रहा है बॉयज? आपको भी समझ आ गई है? काफी, हर रोज मैं नए नए चेहरे देखती हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी आप क्लिनिकली ऑब्जर्व कैसे करते हो? ये तो मैंने आपको हिस्टोलॉजी के लिए दिखाया, बहुत आसान था। क्लिनिकली फिर आप इसे किस तरह से देखते हो? ये देखो, ये आपका जंक्शनल नेवियस इस तरह से नजर आता है, ये इस तरह से आपको इंट्रा डर्मल नेवियस नजर आता है, और इस तरह से आपको कंपाउंड नेवियस नजर आता है। और आगे मैंने इतनी प्यारी सी कंपाउंड नेवियस की एग्जाम्पल्स भी लिख दी हैं, दिखा दी हैं, जिससे बॉयज को तो खास तौर पे अब कंपाउंड नेवियस नहीं बोलेगा, गर्ल्स को भी शायद ना भूले, ठीक है? गर्ल्स आपको भी नहीं भूलेगा अब कंपाउंड नेवियस। अच्छा ठीक हो गया, कर लेंगे अब इसको, हिस्टोलॉजिकली भी देख लेंगे हम, ठीक है। इसका कुछ कलर डिफरेंस भी आपको नजर आया ऊपर तीनों में? जो आपके पास इंट्रा डर्मल है वो थोड़ा सा फ्लैश कलर्ड होगा, ठीक है, और जो आपके पास कंपाउंड है वो किस तरह से होगा, ब्राउन टू ब्लैक कलर का होगा,
राइट और जो जंक्शनल है वो भी आपके पास थोड़ा सा ब्राउन टू ब्लैक कलर का ही होगा। वो क्यों होगा? जैसे जैसे वो स्किन के बाहर वाली साइड पे होगा वो थोड़ा गाढ़ा सा होगा, जैसे जैसे अंदर जाता जाएगा लाइट सा होता जाएगा। ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है समझने समझने के लिए और याद रखने के लिए। मेरा असूल हमेशा यही होता था कि अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही ना, और उसकी अक्सर ऐसा होता था कि टाइम कम होता था और लॉजिक समझने का टाइम नहीं होता था। ये वैसे मैं एक जो है ना वो उसके लिए आपको टिप दे रही हूँ, बैड टाइम के लिए। गुड पॉइंट यही होता है कि आप लॉजिक समझो, लेकिन जब आपके पास लॉजिक समझ के भी समझ नहीं आ रही होती, आवाज सबको ही आ रही है यार, सिर्फ आपको नहीं आ रही। जब लॉजिक समझ के भी समझ नहीं आ रही होती फिर भी आप कर नहीं पा रहे होते ना, फिर आप अपनी लॉजिक बनाते हो, और आप अपनी लॉजिक बना के जब उसको याद रखते हो ना, वो फिर आपको नहीं भूलता। उसको रट्टा मारना, उसको समझना समझना और समझ के डिप्रेशन में जाना, इससे बेहतर है कि बंदा ना खुद ब खुद ही उसको समझ ले, खुद ब खुद ही अपनी उसकी एक नई क्रिएटिविटी कर ले। ठीक है, बाद में टाइम मिले तो अगर वो क्रिएटिविटी उसकी अच्छी होती है, ज्यादा टाइम में वो ही होती है, तो उसको एक प्राउड भी फील होता है, और अगर नहीं होती तो उसे क्लियर कर लेता है। लेकिन उस टाइम के लिए उसका एटलीस्ट वो पेपर तो सही हो जाता है ना। ठीक है, अच्छा अब इसी के साथ एक और नेवियस भी है, जाते जाते बस मुझे बता दें, अगर मैं आपसे कहूं डिसप्लास्टिक नेवियस, या अगर वो डिसऑर्गेनाइज्ड है और इसके अलावा अब नॉर्मल शेप का है, इरेगुलर प्रोलिफ्रेटिव, ए टिपिकल मेलानोसाइट्स का है, वेरी गुड शाबाश, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? डिसप्लास्टिक या ए टिपिकल नेवियस। ठीक है, ये देखो इस तरह से नजर आता है, डिसप्लास्टिक या ए टिपिकल नेवियस, ये आपके पास जो है उसकी बेल एंड लव की डायग्राम है, और ये इंट्राडर्मल नेवियस की भी डायग्राम। ठीक हो गया। अच्छा फिर उसके साथ एक हमारे पास और छोटी सी टर्म है, जॉइंट कंजेनिटल पिगमेंटेड नेवियस। अब जॉइंट मैंने बताया तो जॉइंट से आपके माइंड में आएगा बड़ा सा, कंजेनिटल से क्या आपके माइंड में आएगा? पीछे से चलती आ रही है फैमिली हिस्ट्री या कोई एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंटल इशू है। और पिगमेंटेड से क्या मुराद होगा आपको? पिगमेंटेशन होगी वहां पे, और नेवियस इटसेल्फ का क्या मतलब हमने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, तो इन तीन चार लफ्जों से आपके माइंड में क्या इस तरह की पिक्चर आएगी? ये थोड़ी सी ब्लर है, आपकी प्यारी प्यारी रंगीन बुक्स में अच्छी बनी होगी। ठीक है, तो क्या इस तरह से पिक्चर आपके माइंड में आ जाती है और समझ आ जाती है किस तरह से होगी? का क्या मतलब लार्ज साइज होगा, और उसके अलावा कंजेनिटल का क्या मतलब? फैमिली हिस्ट्री ड्यू टू द कंजेनिटल इश्यू, पिगमेंटेशन हुई भी है इसके ऊपर, यहाँ पर देखो। ठीक है, और साथ में क्या है? हेरी कंजेनिटल नेवाए यहाँ पर बने होंगे, जो मेलेगनेंसी प्रिकर्सर ऑफ मेलानोमा होते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि द रिमूवल ऑफ GCPN शुड बी कंसिडर्ड। अब इसको किस तरह से रिमूव करते हैं ये आपने इसके अंदर नहीं जाना। ठीक है, बस आपको इसकी सिर्फ सिंपल MCQs के हवाले से डेफिनेशन आनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि इसमें जॉइंट हेरी निवियस होता है। ठीक है, जो आपके MCQs वाले है वो कंपाउंड, इंट्राडर्मल और जंक्शनल, वो हमने अच्छे से कर लिए हैं। ठीक है बेटा, मैं इसे फिनिश करने लगी हूँ, ब्रेक का क्या है, पूरी छुट्टी ले लो। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद अगर ये जो मेलानोमाज हैं ये मेलिग्नेंसी की तरफ चले जाएं, तो मैं हम इसे क्या कहते हैं? मेलिग्नेंट मेलानोमास। ठीक है, इतनी सी बात है। अब उसके अंदर भी तकरीबन वही वाले जो स्किन कार्सिनोमा अंदर आते हैं फीचर्स वही आएंगे, यूवी एक्सपोजर होगा उसका, अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग नेवाए था, प्री एग्जिस्टिंग फैमिली हिस्ट्री थी, जॉइंट कंजेनिटल नेवियस है था उसको, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट था, नहीं ठीक हो सका, HIV था, इम्यूनो सप्रेशन थेरापी पे था, ठीक है, जीरो डर्मा पिगमेंटोजम था उसको, कोई स्किन डिजीज थी, ठीक है, इन सारी वजूहात के अंदर क्या हो सकता है, ये जो कंडीशन है ये मेलिग्नेंट मेलानोटिक लीन्स में चेंज हो सकती है।
ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर भी टीएनएम स्टेजिंग आएगी, इसके अंदर भी टीएनएम स्टेजिंग आ सकती है बॉयज एंड गर्ल्स? बिल्कुल आ सकती है। तो क्या अब इसकी टीएनएम स्टेजिंग आप कर लोगे? ये जो तीनों है ना, सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा, नोड्यूलर मेलानोमा और लेंटिगो मेलिग्ना मेलानोमा, इसके बिना सिर्फ आपने डेफिनेशंस याद रखनी है एमसीक्यूज के हवाले से। ये जो एक एक लाइन अंडरलाइन की हुई है ना, ठीक है, और ये ALMB, ये वाली तीनों, ठीक है। अच्छा, अब इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी हमने किस तरह से करनी है? मेलानोमा है उसके, आपने क्या देखना है उसका? हमने क्या देखा वैसे जंक्शनल और उन सब में? हमने देखा कि वो रेगुलर थी या नहीं, हमने देखा कितना बड़ा था, हमने देखा कलर क्या था उसका, बॉर्डर ठीक था, सिमेट्री ठीक थी, शेप क्या थी उसकी, डायमीटर क्या था उसका, लेंथ क्या थी उसकी, कहाँ से लेके कहाँ तक इन्वॉल्व कर रहा था, एलिवेट कर रहा था, कितना डीप जा रहा था, क्या चेंजिंग्स आ रही थी उसकी, शेप क्या थी उसकी, स्ट्रक्चर क्या था। लेकिन अब यहाँ पर तो ये साथ में क्या कर रहा है, ये में मेलिग्नेंसी की तरफ भी जा रहा है, तो अब यहाँ पे इससे काम नहीं चलेगा। फिर अब हमने साथ ये देखना है कि अगर ये मेलिग्नेंसी की तरफ जा रहा है तो उसके अंदर और भी कोई साइंस आ रहे हैं, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, साथ में इचिंग तो नहीं हो रही, डायमीटर क्या है, साइज बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, शेप चेंज हो रही है, साइज चेंज हो रहा है, स्प्रेड कर रहा है, कहाँ तक स्प्रेड किया है, लिम्फेटिक्स तक तो नहीं चला गया और ब्लड स्ट्रीम तक तो नहीं चला गया, लोकल इन्वेजन इसकी कहाँ तक चली गई है, लिवर लंग ब्रेन वगैरह को तो नहीं इन्वॉल्व कर लिया, बोन को तो नहीं इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको इसका स्प्रेड भी बता दिया है कि इसका स्प्रेड जो है लोकली भी होगा, लिम्फेटिक से भी होगा और ब्लड स्ट्रीम से भी होगा, ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा, अब इसकी टीएनएम स्टेजिंग भी उसी तरह से ही है, बहुत आसान टीएनएम स्टेजिंग है। अब मैंने आपको ये टीएनएम स्टेजिंग खुद करने के लिए देनी है और नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे इसके क्वेश्चंस करने हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी जो है इसकी ABAB लिखी हुई है, लेकिन गुड पॉइंट ये है कि ये भी आपके एससीक्यूज में नहीं आती, इसलिए इसको ज्यादा रट्टा नहीं मारना, लेकिन इंटरेस्ट के हवाले से अगर चाहो तो इसे याद कर सकते हो, लेकिन एक दफा रीड जरूर करना, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या रह गया है इसका, इसकी ट्रीटमेंट रह गई है? हमने इसकी ट्रीटमेंट तो की नहीं है, क्या ट्रीटमेंट करोगे इसकी, मुझे बताएं। शाबाश, बायोप्सी कर सकते हैं, एक्सीजनल बायोप्सी कर सकते हैं इसकी, एक्सियन करेंगे, सर्जरी करेंगे, ठीक हो गया। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं, जो लिम्फ नोड्स थे, अगर इन लार्ज लिम्फ नोड्स थे उनकी डिसेक्शन करेंगे, अगर इन लार्ज नहीं थे, कोई क्लिनिकली लिम्फ नोड्स प्रेजेंट नहीं थे लेकिन बायोप्सी के ऊपर हमें पता चला कि लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट है, तो हमने क्या करना है उसको, फिर उसकी भी रेडिकल डायसेक्शन करनी है। और अगर हमें लग रहा है कि इन्फ्लेमेशन के साइंस भी है साथ, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम उसको साथ मेडिकेशंस देंगे, उसको साथ एंटीबायोटिक्स भी देंगे, ठीक है। और अगर उसके साथ और उसे कोई जो है वो चल रही अंडरलाइन डिजीज चल रही है जिसके अंदर हम सर्जरी और रिसेक्शन नहीं कर सकते, तो हमारे पास और भी कोई ऑप्शन है, वेरी गुड शाबाश, रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, कीमोथेरेपी कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी कर सकते हैं, या हार्मोन थेरेपी भी कर सकते हैं फॉर दी सिम्टोमेटिक रिलीफ, ठीक है जी। ये देखें, अभी आपके पास कुछ डायग्राम्स मेलानोमा की और भी मौजूद हैं, जो मेलानोमाज आपने खुद की अगर आप लेना चाहें तो। हाँ जी, छुट्टी होने वाली है, ठीक है, जो मेलानोमा
आपने करने के लिए दिए हैं वो मैं आपको बताती जाती हूँ। जो आपके पास एक सुपरफिशियल रिंग होता है वो सिर्फ इस तरह ऊपर ऊपर छोटा छोटा आपको ऊपर सुपरफिशियल लेयर के ऊपर नजर आता है एसिमेट्रिक इरेगुलर बॉर्डर्स के साथ, नोड्यूलर मेलानोमा नाम से जाहिर है नोड्यूलर शेप का होगा, ठीक है, ऐसे उसका रेस्ड स्पॉट नजर आएगा हमें, ठीक हो गया। फिर उसके लेंटिगो मेलानोमा है या मेलिग्ना है वो किस तरह से, इस तरह से उसकी जो शेप होगी ठीक है, और वो स्किन के नीचे होगा, और इसको हम लेंटिगो क्यों कहते हैं? शेप के हवाले से कुछ आपको लग रहा है इसका कनेक्शन? हाँ जी बॉयज एंड गर्ल्स, इरेगुलरली शेप्ड है इसकी, ठीक है, टैन से कलर का होगा ये भी स्लो ग्रोइंग होगा, ठीक है ना, और इसकी अंदर भी काफी सारी कलर चेंजिंग्स आएंगी, ठीक है, लेकिन ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्प्रेड होता है, लेकिन इसके यस स्लाइटली रेज लियन भी होगी इसके अंदर, ठीक है, और इसके अलावा फिर एक मेरे पास रह जाता है एक्रल लेंटिजिनियस मेलानोमा, वो मेरे पास किस तरह से है, इसकी भी है इरेगुलर एसिमेट्रिक शेप है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये खास तौर पे ज्यादातर आर्म्स सॉरी हैंड्स और फीट और सोल्स और पाम्स के लेवल के ऊपर हमें नजर आता है, ठीक है। फिर उसके अलावा और उसके कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ और उसकी करेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है, ये देखो ये सुपरफिशियल स्प्रेडिंग हमें इस तरह से नजर आता है, फिर उसके अलावा नोड्यूलर इस तरह से नोड्यूल सा बना हुआ नजर आएगा, ये लेंटिगो हमें इस तरह से नजर आएगा, ठीक है, और ये एक्रल लेंटिजिनस मेलानोमा जो है वो हमें इस तरह से नजर आएगा। इसमें सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है? ये वाला सुपरफिशियल वाला। लीस्ट कॉमन कौन सा है? ये वाला, ठीक है। फिर उसके अलावा अब हमने पढ़े जो कार्सिनोमास और मेलानोमास, उनके दरमियान एक ब्रॉडली क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताई हुई है, ये देखो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमास और बेसल सेल कार्सिनोमा और मेलानोमा, इनकी अपेयरेंसेज, इनका कलर, इनकी शेप, ठीक है, ये भी आप पिक्चर्स ले लें बेशक साथ, ठीक हो गया। ये एक और एक्रल लेंटिजिनस मेलानोमा की भी शेप और पिक्चर मौजूद है जो स्किन के ऊपर विद कलर चेंजेस, ऐसे सही अच्छी वाली कलर चेंजेस और उसके साथ बनी हुई है। पहले यहाँ पे सिर्फ इसकी ये वाली इन्वॉल्वमेंट हुई है, फिर उसके बाद वो आगे स्प्रेड कर गई है, ये देखो सब इंग्वाइनल मेलानोमा इस नेल के रीजन के ऊपर, नेल के लेवल के ऊपर, ठीक है, फिर उसके बाद इसने साथ इसको भी सारा स्प्रेड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास रह गए हैं हेमेंजियोमास, वेस्कुलर नियोप्लास्म, ठीक है, ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर सर्जिकल एनाटॉमी के साथ। अब आप लोगों ने मुझे बताना है सर्जिकल एनाटॉमी का लेक्चर आज 8 से 10 बजे तक लेना है या फिर मंडे को 8 से 10 बजे तक लेना है, ठीक है। चले जी, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखें, नमाज पढ़े, मेरे लिए भी दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है वेस्कुलर हेमेंजियोमास, 2-3 चीजें इंटरेस्टिंग डायग्राम्स के साथ हैं, हम नेक्स्ट में इसे कर लेंगे साथ, ठीक है। अब आप मुझे बता दें कि आपने आज लेक्चर लेना है या कल लेना है, ठीक है जी। कौन सी लेयर्स वाली स्लाइड? जंक्शनल वाली, ये वाली, ये ले, ठीक है। हाँ जी, और तो कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना किसी ने? कर दो स्लाइड शेयर ऑफ, ये ले, स्किन लेयर्स, ओके, जस्ट अ मिनट, ये ले।
जी और किसी ने कोई साइड की पिक्चर लेनी है तो मोस्ट वेलकम, बता दे। बस पेपर अच्छा करना यार।